बागेश्वर धाम पहुंची ऐश्वर्या राय, दरबार में लगाई हाजिरी, हुआ चमत्कार। तलाक की खबरों के बीच बागेश्वर धाम पहुंची ऐश्वर्या राय, पंडित धीरेंद्र शास्त्री से लगाई अर्जी। बेटी आराध्या को लेकर धीरेंद्र शास्त्री से मिली ऐश्वर्या राय, जानिए वीडियो में कितनी सच्चाई है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ऐश्वर्या राय बच्चन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सामने बैठकर अर्जी लगाती नजर आ रही है। जानिए वायरल वीडियो का सच। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों के कारण सुर्खियों में हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के दरबार में आने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेता, राजनेता, बड़े बड़े लोग भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में पहुँच रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे दावा किया जा रहा है की बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ बागेश्वर धाम पहुँची है। कई यूजर्स ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। बॉलीवुड ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बागेश्वर धाम मंदिर के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात करती नजर आ रही हैं। वीडियो में शास्त्री स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वही वीडियो में कथावाचक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि शास्त्री ने अभिनेता अभिषेक बच्चन के करियर के लिए भी सुझाव दिए थे। पहले जानिए वायरल वीडियो का सच। वीडियो में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सामने बैठकर अर्जी लगा रही है। वही पंडित शास्त्री ऐश्वर्या राय को उपाय बता रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये एक एडिटेड वीडियो है। गूगल पर सर्च करने पर ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ऐश्वर्या राय बाबा बागेश्वर धाम गई थी या फिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के किसी कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई। यह वीडियो किसने अपलोड किया? सोशल मीडिया और गूगल पर काफी सर्च करने के बाद से ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। यूट्यूब चैनल का नाम हेल्थ मंत्रा है। हेल्थ मंत्रा चैनल ने इसे 10 महीने तक अपलोड किया। इस वीडियो को अब तक 5.3 मिलियन यानी 53 लाख व्यूज मिल चुके हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिर्फ बागेश्वर बाबा की जय और उनके जयकारों के साथ लोगों ने कमेंट किए हैं। दरअसल अक्कू सिंह आकाश नाम के यूजर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐश्वर्या राय बागेश्वर धाम पहुंची। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने भी ऐश्वर्या राय के बागेश्वर धाम जाने की खबर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, ऐश्वर्या राय ने अपने बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लिया, जय बालाजी महाराज। वीडियो में ऐश्वर्या राय सफेद कपड़ों में अपनी बेटी के साथ नजर आ रही हैं। वहीं कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि ऐश्वर्या राय धीरेंद्र शास्त्री से अपने भविष्य पर पर्चा निकलवा रही हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में हैं। देश भर से लाखों लोग उनके दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं, लोग उनसे जो भी कहना या पूछना चाहते हैं उन्हें पहले से पता होता है और वे कहने से पहले ही अपने विचार अपने कागज पर लिख देते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के यहाँ मशहूर हस्तियों के पहुँचने की खबरें सुर्खियाँ बनी रहती हैं। वहीं कई तरह की खबरें और अफवाहें भी आ रही हैं। जब धीरेंद्र शास्त्री के ऐश्वर्या राय से मुलाकात के वायरल वीडियो की जांच की गई, तो पता चला कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री और ऐश्वर्या राय के दो अलग अलग वीडियो जोड़कर बनाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय का यह वीडियो 2019 का है, जब ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बेबी के साथ दुर्गा पंडाल में पहुंची। उसी वीडियो का कुछ हिस्सा लेकर ये फर्जी वीडियो बनाया गया। बागेश्वर धाम में मशहूर हस्तियों के पहुँचने की खबरें सुर्खियाँ बटोर रही है। कई बार ये खबरें झूठी भी होती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन की धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की झूठी खबरें वायरल हो चुकी हैं।